1947 की आज़ादी के बाद देश में 2019 का दिन सबसे बड़ा दिन साबित हुआ है दोस्तों। इस दिन हमें एक और आज़ादी मिली है, यानी कि जम्मू कश्मीर जो है धारा 370 से मुक्त हुआ है, और उसके बाद में पूरे देश में जश्न है। हमने कवि के मन की बात में कवियों से भी कुछ ऐसे उद्गार जानने की कोशिश की है, हम उनसे रूबरू कराएंगे। उससे पहले हम परिचय करा देते हैं आपको। आप हैं सिद्धेश्वर जी। सिद्धेश्वर सिद्धू वो कवि हैं जो हमेशा जनता को अपने शब्दों के बाण से जोड़ते रहे हैं, शब्दों के तीर से जोड़ते रहे हैं। और दूसरे हैं रेणु जी सिरोया। रेणु जी सिरोया भी वो हैं जो जनता से सीधा जुड़ाव रखती हैं। तो हम पहले बात करते हैं सिद्धेश्वर सिद्धू जी से। सिद्धेश्वर जी, कवि के मन की बात में देश की जनता को आपका क्या उद्गार है, क्या मैसेज है? मैं कहना चाहता हूँ कि नेताओं से वादे ना हो, नेताओं से वादे ना हो, जो बोला सो है करना। नेताओं से वादे ना हो, जो बोला है सो करना। बड़े बड़े और कड़े कड़े अपने कदमों को रखना। बड़े बड़े और कड़े कड़े अपने कदमों को धरना। समझ नहीं पाया था कोई 370 का क्या करना। समझ नहीं पाया था कोई 370 का क्या करना। उस दौरान आया 56 इंची सीना, ओह 56 इंची सीना, आया 56 इंची सीना। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी के लिए कि पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया, पूरा अपना दिनचर्या अपने देश के नाम पे समर्पित कर दी। उनके लिए कहना चाहता हूँ कि तन मन और ये धन समर्पित, कि तन मन और जीवन समर्पित, सब कुछ करके देश को अर्पित। तन मन धन जीवन समर्पित, सब कुछ करके देश को अर्पित। हिंदुस्तान को जो है अपेक्षित, देश का नक्शा कर रेखांकित। वक्त को कर दिया बोना, ओहो भक्त को कर दिया बोना। आया 56 इंची सीना, ओहो 56 इंची सीना, आया 56 इंची सीना। एक तीन पंक्तियाँ चार पंक्तियाँ और अपनी कहना चाहता हूँ। बहुत आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कि जिसने एक इतिहास रचा है, पाक में भी हड़कंप मचा है। जिसने एक इतिहास रचा है, पाक में भी हड़कंप मचा है। विपक्ष को कहने को क्या बचा है। देश को बस मोदी ही जचा है। पल भर में ही बंद कर दिया। सत्तर वर्षों का रोना। आया 56 इंची सीना, ओहो 56 इंची सीना, जय जय 56 इंची सीना। हम आपसे कवि रेणु जी से भी मुलाकात कराते हैं। रेणु जी, आपकी नज़र में धारा 370 जो हटी है उसके बाद क्या खुशी है, शहर देश के साथ में क्या शेयर करना चाहिए? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मोदी जी ने जो 370 की धारा कश्मीर से हटाई है, पूरे हमारे संपूर्ण भारत में और कश्मीर में खुशी का माहौल है। और उसी खुशी को मैंने अपनी इस कविता में लिखा है, अपनी इन पंक्तियों में लिखा है। मेरा एक एक शब्द इस देश को समर्पित है। धारा 370 हट गई, आज मनाए दिवाली। धारा 370 हट गई, आज मनाए दिवाली। घाटी में केसर महके हो, बागों में फिर हरियाली।
अमित मोदी के अमित प्रयास से अब कश्मीर हमारा है। अमित मोदी के अमित प्रयास से अब कश्मीर हमारा है। इन आतंकी गद्दारों को दो शेरों ने मारा है। इन आतंकी गद्दारों को दो शेरों ने मारा है। और हम कश्मीर को की सुंदरता को एहसास करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं और एक अपना एक अधिकार चाहते हैं कि हम कश्मीर में उसी अधिकार से जा पाएं जैसे हम भारत में रहते हैं। तो मेरी अगली पंक्तियाँ, अमित मोदी संग भारत में खुशियों का संचार हुआ। लूटा गद्दारों ने देश को, उन पर कड़ा प्रहार हुआ। सदियों से कश्मीर हमारा और आज भी है अपना। सदियों से कश्मीर हमारा और आज भी है अपना। फहराए हम वहाँ तिरंगा, भारत माँ का है सपना। फहराए हम वहाँ तिरंगा, भारत माँ का है सपना। और हम सबका भी यही सपना है कि हम एक छत्र तिरंगा पूरे देश में, संपूर्ण देश में फहराएं। मेरी चार पंक्तियाँ मैं और इस धरती माँ को, इस भारत माँ को समर्पित करती हूँ। 70 सालों बाद में देखो भारत ने ली अंगड़ाई। 70 सालों बाद में देखो भारत ने ली अंगड़ाई। न्याय हुआ है अब जनहित में, फिर स्वर्णिम घड़ियाँ आई। न्याय हुआ है अब जनहित में, फिर स्वर्णिम घड़ियाँ आई। और पहले क्या था, पहरे में कश्मीर था अब तक आतंकी गद्दारों के। पहरे में कश्मीर था अब तक आतंकी गद्दारों के। खून से रंगे कश्मीर ने सचमुच आज़ादी पाई। खून से रंगे कश्मीर ने सचमुच आज़ादी पाई। इसकी आज़ादी के बाद हम 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। ऐसे में ये जो स्वतंत्रता दिवस है हमारे लिए अहम होगा, इसकी जो खुशी हमारे लिए अहम होगी। और कुछ ही दिनों बाद हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, लेकिन उस आज़ादी का जश्न और जो 6 अगस्त है उसका जश्न हमें इतना आकर्षित कर रहा है, इतना हमें खुशी दे रहा है कि हम इसको हम बयां नहीं कर सकते हैं। हमारा YouTube चैनल देखने के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह के इशू को हम आपके सामने लाते रहेंगे और रूबरू होते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।